नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइज हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज़, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा ने बीसीसीआई को लेकर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। रमीज राजा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास होस्टिंग राइट्स नहीं है, हमारे पास एशिया कप होस्ट करने के राइट्स है और हम एशिया कप होस्ट करना चाहते हैं। हमने एशिया कप के राइट जीते है, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहती तो ना आए, लेकिन अगर एशिया कप के राइट हमसे लिए गए तो हम भी इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं होने देंगे और हमने इससे पहले भी दिखाया है कि हम अच्छी तरीके से कोई भी टूर्नामेंट होस्ट कर सकते हैं। अगर बायलैटरल सीरीज होती तो हम सोच भी लेते, लेकिन ये एशिया कप है जो कि एक मल्टीनेशन टूर्नामेंट है, जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप जितना बड़ा टूर्नामेंट है। रमीज राजा ने आगे कहा कि पहले इंडिया को पता था कि एशिया कप पाकिस्तान में होने वाला है, तब इंडिया वालों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए मना कर रहे हैं। हमें चलेगा अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आए तो, लेकिन इंडिया को कोई हक नहीं बनता कि वो एशिया कप हमारे से छीन ले। और वैसे भी देखा जाए तो एशिया कप में अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ तो एशिया कप देखने में लोगों को मजा नहीं आने वाला है। और मैंने इससे पहले भी मेंशन किया है कि मुझे इंडिया अच्छा लगता है, मैंने वहाँ कमेंट्री भी किया आईपीएल के टाइम, और मुझे ये बात भी पता है कि खुद इंडिया के फैंस भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करे और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो। गाइज आपको क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर टू गाइज, इंडिया के फॉर्मर प्लेयर मनिंदर सिंह ने रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। मनिंदर सिंह ने कहा कि जब एज अ कैप्टन आप रन नहीं बनाते तब आपको डिफिकल्ट होता है फील्ड में प्लेयर्स को मोटिवेट करना। आप चाहे कितना भी कहो कि कैप्टन अपने खुद के परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान नहीं देता, सिर्फ टीम के तरफ देखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते हो ये चीजें आपके माइंड में चलती रहती है। जब आप बॉलर को हैंडल करते हो या फिर फील्ड पर होते हो, आप हमेशा यही सोचते हो कि मेरे रन्स नहीं बन रहे हैं। और एज अ कैप्टन जब आप रन नहीं बनाते तो इसका बड़ा इफेक्ट टीम पर भी पड़ता है, और यही हम रोहित शर्मा के साथ भी देख रहे हैं। और मैं श्योर हूँ कि T20 वर्ल्ड कप के बाद से रोहित शर्मा के माइंड में ये चीजें चल रही होगी। वो यही सोच रहे होंगे कि मेरे से क्या गलती हुई, और वो उस गलती पे काम करने का सोचेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अभी भी 2-3 साल खेल सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया के लिए एक गेम चेंजर है। तो मैं यही होप करूंगा कि रोहित शर्मा स्ट्रॉन्गली कमबैक करे, क्योंकि ओडिया वर्ल्ड कप को अब बस 1 साल बचा है और वो ओडिया में इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द फॉर्म में आ जाए। नंबर थ्री गाइस, रवि शास्त्री ने शुभमन गिल को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। रवि शास्त्री ने कहा कि इंडिया के लिए न्यूजीलैंड सीरीज में सबसे बड़ा पॉजिटिव शुभमन गिल था, क्योंकि शुभमन गिल ने इंडिया को अच्छी स्टार्ट दी न्यूजीलैंड सीरीज में, और न्यूजीलैंड की कंडीशन काफी टफ है, वहाँ रन बनाना इतना इजी नहीं है। और वैसे भी शुभमन गिल इससे पहले न्यूजीलैंड नहीं गया था, तो ये कहना होगा कि शुभमन गिल ने अपनी अपॉर्चुनिटी दोनों हाथों से ग्रैब की है, और उसने बैटिंग करते हुए मैच्योरिटी भी दिखाई टफ कंडीशन में। टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा था, बॉल बार बार बीट हो रहा था, लेकिन शुभमन गिल बना रहा, उसने कुछ बॉल छोड़े, अपना परफेक्ट बैलेंस रखा और काफी पॉजिटिव फुटवर्क रखा, और जैसे जैसे उसने रन बनाए वैसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। इसलिए मुझे लगता है कि वो प्रॉपर बैटर है टफ कंडीशन के लिए। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।